गर्मा गर्म जलेबी खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है, और यही जलेबी अगर सही विधि से बनी हो और एकदम क्रिस्पी हो तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ शेफ अशोक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल रेसिपीज के अंदर। आज हम बनाएंगे आपको जलेबी बनाना, बहुत ही आसान रेसिपी, नॉर्मली आप घर पर आराम से बना सकते हो इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पर 1 कप मैदा लूँगा। यहाँ पर हम 1 कप मैदे की जलेबी बनाएंगे, तो 1 कप मैदा बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड कर लूँगा बेसन। दोस्तों यहाँ पर मैंने करीब 150 ग्राम मैदा लिया, 1 कप के अंदर 150 ग्राम मैदा आता है, और उसमें मैंने यहाँ पर 30 ग्राम बेसन लिया है, 30 ग्राम मैंने वेट करके बेसन लिया है। साथ में यहाँ पर आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे हम, और करीब 50 ग्राम जितना हम इसके अंदर कर्ड ऐड करेंगे। 50 ग्राम कर्ड बहुत हो जाएगा। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया सा हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा वाटर। दोस्तों यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगा, पानी वार्म वाटर लिया है, गुनगुना पानी लिया है मैंने यहाँ पर, उससे बहुत बढ़िया रहता है, और जो जलेबी का डो है ना हमारा, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा जलेबी के लिए। तो हल्का गर्म पानी हम इसके अंदर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। मैं एक साथ पानी नहीं डालकर हल्का हल्का सा पानी डालूंगा, और विस्कर की सहायता से मैं इसे बढ़िया सा फेंटूंगा। ये स्टेप दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है जलेबी अगर आप बना रहे हैं, तो जलेबी के लिए ये स्टेप आपको फॉलो करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। करीब 5 मिनट तक मैं इसे अच्छे से फेंटूंगा, जिससे क्या है हमारा मैदा जलेबी के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे करीब 10 से 15 मिनट तक रेस्ट दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया सा मैं दोनों हाथों से फेंट रहा हूँ, और इसे तब तक फेंटना है जब तक इसके अंदर बस इस तरह से बाइंडिंग नहीं होने लग जाए, मैदे की एक लहर नहीं बनने लग जाए। ये लहर बनेगी तब भी हमारी जलेबी निकलेगी, वरना हमारी जलेबी निकलेगी नहीं और पाइपिंग बैग में या दूध की थैली में टूट जाएगा। चलिए अब मैं इसे रेस्ट दे देता हूँ। मैं यहाँ पर इसे क्लीन रैप करके रख रहा हूँ, आप चाहे तो कवर करके रख सकते हैं। नीचे से बॉल हमारा गर्म हो चुका है, वार्म वाटर था इसीलिए। दोस्तों यहाँ पर एक आइडिया बताता हूँ मैं आपको, माइक्रोवेव को हम एक काम करेंगे, 2 मिनट तक सिंपली चलाएंगे इसे, नॉर्मली खाली माइक्रोवेव 2 मिनट तक चलाएंगे, और जैसे ही 2 मिनट पूरे होते हैं उसके बाद में हम इसे खोल कर हमारा जो ये जलेबी का डो है ना, ये इसके अंदर रख देंगे बस, और इसे माइक्रोवेव को बंद कर देंगे। माइक्रोवेव यहाँ पर हमें चलाना नहीं है, माइक्रोवेव को बंद कर देने का है, 10 मिनट तक इसे बंद रहने देंगे। उससे क्या इसे गर्माहट मिलेगी इसके अंदर, तो हमारा डो जल्दी तैयार हो जाएगा। चलिए तब तक मैं यहाँ पर चाशनी बना लेता हूँ। दोस्तों चाशनी बनाने के लिए एक बॉल एक तपेली गैस के ऊपर चढ़ा लेंगे, और इसके अंदर मैं 2 कप शुगर ऐड कर लूँगा। 2 कप शुगर के अंदर मैं यहाँ पर 1 कप पानी डालूँगा, बस इतना ही डालेंगे हम, ताकि इससे जल्दी हमारी चाशनी बन जाएगी, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर चाशनी बन के हमारी तैयार हो जाएगी। ज़्यादा पानी अगर हम डालते हैं तो वापस उसे गाढ़ा करने के लिए बहुत देर तक हमें उबालना पड़ता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। चाशनी के अंदर उबाल भी आने लग गया है, तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा लेमन के लाइम जूस। लाइम जूस में यहाँ पर बहुत ही कम, 2 से 3 ड्रॉप लाइम जूस डालेंगे हम इसके अंदर, ताकि इसके अंदर चाशनी के अंदर जो मेल होता है ना, वो सारा बाहर आ जाएगा। 1 मिनट उबालने के बाद में मैं इसके अंदर देखूँगा हल्का हल्का मेल आने लगा है, क्योंकि यहाँ पर शुगर मेरी अच्छी क्वालिटी की है, तो इसके अंदर बहुत ही कम मेल आया। तो जो मेल आया उसे मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। मेल को रिमूव करने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा यहाँ पर इलायची पाउडर, हल्का सा हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, और साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगा, केसरी फूड कलर ऐड कर रहा हूँ मैं, इससे क्या चाशनी का कलर एकदम बढ़िया सा केसरी कलर हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और केसरी कलर आ चुका है, और चाशनी को मेरे को उबालते हुए करीब 5 मिनट तक हो गया। तो देखिए मैं अभी आपको दिखा लेता हूँ चाशनी कितनी थी कि हमारी, बस एक लेयर टाइप बन रही है ना, बस इतनी चाशनी रहेगी हमारी थिक। और मैं गैस की फ्लेम को बंद कर लूँगा और चाशनी को हम एक तरफ रख देंगे। चलिए अब जलेबी निकालने के लिए यहाँ पर एक पैन के अंदर देसी घी ऐड कर लेते हैं, और हल्का मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर हम गैस चालू करके छोड़ लेंगे। करीब 10 मिनट तक हो चुका है मुझे इसे, तो खोल के हम देख लेते हैं हमारा डो तैयार है। देखिए डो के अंदर बहुत ही बढ़िया लचीलापन आ चुका है, और ये जलेबी के लिए तैयार हो चुका है। हल्का सा थीक लग रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और हल्का सा बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे इसके अंदर, और इसे वापस एक बार फेंट लेंगे। दोस्तों बेकिंग सोडा बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, अगर हल्का सा भी ज़्यादा हो गया ना तो जलेबी हमारी पैन के अंदर फट जाएगी। यहाँ पर मैं एक गिलास लूँगा, गिलास के अंदर हम एक दूध की थैली लेंगे, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा दिया था,
इसका ऊपर का मुंह है ना उसे कट कर कर गिलास के अंदर डाल देंगे। एक मुंह गिलास के नीचे रखेंगे हम और ये इस तरह गिलास में पैक कर देंगे। दूध की थैली को हम गिलास के अंदर इस तरह पैक कर कर इसके अंदर हम डो डाल देंगे। जलेबी का डो हमारे इस तरह डालने से क्या है कि नीचे भी नहीं गिरेगा और हमारे हाथ भी नहीं भरेंगे। बस यहाँ पर थैली का मैंने एक ही मुँह नीचे रखा है, तो अभी देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये एक ही मुँह नीचे है, दूसरे मुँह को हम वापस ऊपर की तरफ समेट लेंगे और इसे कस के पकड़ लेंगे और साथ में हल्का सा घुमा लेंगे ताकि प्रेस करने में आसानी रहेगी। और चलिए इसका मुंह हल्का सा कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर नाइफ से कट कर रहा हूँ, आप चाहे तो कैंची से भी कट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कम छोटा सा मुंह कट किया है। एक दो ड्रॉप घी के अंदर डाल के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर आराम आराम से जलेबी निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं अंदर जब मैं जलेबी को घुमा रहा हूँ तो इसका शेप कुछ और रह रहा है, जब ये बाहर आ रही है तो इसका शेप एकदम से अलग हो रहा है। ये देखिए बस ये ऐसे ही है, तो अंदर घुमाते वक्त हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का कि जलेबी का शेप नहीं बन रहा है। जैसे ही ये ऊपर आएगी ना एकदम से गोल बन जाएगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर पका रहा हूँ, तो जलेबी हमारी बढ़िया सी पक भी रही है। और जलेबी को मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर पकाना बहुत ही आवश्यक है, तब भी ये एकदम क्रंची बनेगी, एकदम जो क्रिस्पी बनती है ना वो मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर ही बनेगी। जैसे जैसे जलेबी मेरी हल्की हल्की पकती जाती है ना मैं इसे उल्टा करता रहूँगा। बस आप किसी भी चाकू से कर सकते हैं या चिमटा आता ना चिमटे से भी आप आराम से इसे पलटी कर सकते हैं। बस इस तरह मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाएंगे, तो इससे क्या जलेबी हमारी बहुत ही बढ़िया और एकदम क्रिस्पी जलेबी बनेगी। देखिए हल्के हल्के से पकने आ गई, तो मैं जो जो जलेबी पक रही है ना उसको एक तरफ कर लेता हूँ ताकि इन्हें उठाने में मेरे आसानी रहेगी। ये देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर जलेबी का अच्छे से कलर आने लग गया है, तो अब मैं निकाल लेता हूँ इन्हें और चाशनी के अंदर डिप कर लेता हूँ। बस ये यहाँ पर इसी कलर के अंदर हम निकाल लेंगे और चाशनी के अंदर डिप करने लग जाएंगे। सारी जलेबी को हम निकाल कर आराम से चाशनी के अंदर डाल देंगे और ऊपर से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें चाशनी में जलेबी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, मात्र 2 मिनट तक हम जलेबी को चाशनी पिलाएंगे, उसके बाद में हम निकाल देंगे। ज़्यादा देर तक अगर हम चाशनी के अंदर जलेबी रखेंगे ना तो हमारी जलेबी सारी सोगी हो जाएगी, तो ये विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। जैसे ही हमारी जलेबी चाशनी पीती है उसके बाद किसी दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों एक बार और आपको निकाल के दिखा लेते हैं। इस बार हमारे हलवाई शेफ आपको हलवाई स्टाइल के अंदर जलेबी घुमा के बना के बता रहे हैं। बस ये इसी तरह गोल गोल घुमा के इसके ऊपर एक सीधी लेयर डाल देंगे ताकि सारी जलेबियाँ एक साथ जुड़ जाए। हल्के हल्के से मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर हम इसे पका लेंगे और जब हल्की क्रिस्पी होने लग जाएगी तो इसे पलटी कर देंगे। जैसे इनके अंदर कलर आता है तो हम इन्हें निकाल कर चाशनी के अंदर डिप कर देंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी बहुत सी मज़ेदार और यम्मी सी रेसिपियाँ आपको यहाँ मिलती रहेगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सबके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ पर सारी जलेबी को करीब 2 मिनट तक हो चुका है, तो मैं इन सबको एक प्लेट्स के अंदर निकाल लेता हूँ। बहुत ज़्यादा देर तक हम नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारी जलेबी सारी सोगी हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं रहेगी। साथ में हम इसके ऊपर हल्की सी बादाम कतरन की गार्निश कर लेंगे और जलेबी को सर्व कर लेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।